मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ नॉर्थ इंडियन स्वीट डिश जिसका नाम है रबड़ी, जो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट थी कि आप इसे बनाएं। तो आज मैं इसे बनाने जा रही हूँ, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का यूज करके, और ये खाने में उतने ही टेस्टी है। हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु ड्रोलिया और आपका मिंस रेसिपीज चैनल में स्वागत है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए हम लेते हैं दूध। तो मैंने यहाँ पे ये 1.5 लीटर दूध लिया है और इसे हम पैन में डाल देते हैं। और गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर पकाएंगे। और मैंने जो दूध लिया है वो फुल फैट मिल्क है। अगर आपको अच्छी रबड़ी का टेस्ट और टेक्सचर चाहिए तो फुल फैट मिल्क यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अब हम दूध को मीडियम लो फ्लेम पर उबलने देते हैं। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है तब तक इधर हम केसर को भी भिगो देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा गुनगुना दूध और इसमें हम डालते हैं थोड़े से केसर की पत्ती और इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और केसर को हम दूध के संग ऐसे ही भीगे रहने देते हैं जब तक कि हमारी रबड़ी पूरी तरीके से बनकर तैयार ना हो जाए। और मैंने यहाँ पे लिया है 10 से 12 पीस बादाम, जिसे मैंने पानी में बिल्कुल अच्छी तरीके से भिगो दिया है। और जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम बादाम को भी छिलकर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए दूध बिल्कुल बॉयल हो गया है और आप दूध के ऊपर देख रहे हैं एक पतली लेयर क्रीम की जम गई है। तो इसे अब हम स्पैचुला से साइड कर लेते हैं। हम इसके पैन के किनारों में लगा देंगे और फिर से हम दूध को लो फ्लेम पर उबलने देंगे और फिर से जब हम क्रीम जमेगी तो इसे हम किनारों में इकट्ठा कर लेंगे। तो ये देखिए क्रीम की फिर से एक लेयर दूध के ऊपर जम गई है। इसे हम फिर से स्पैचुला से साइड करते हैं और हम पैन के किनारों में इसे इकट्ठा कर लेंगे। ऐसा करने से रबड़ी बहुत ही अच्छी बनती है और इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि दूध पूरी तरीके से आधा ना हो जाए। मलाई को पैन के साइड्स में इकट्ठा करने के बाद हम दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध पैन के तले में चिपक सकता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि हम हैवी बॉटम पैन का ही यूज़ करेंगे और लगातार नहीं चलाएंगे, हम थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए 45 मिनट्स हो गया है दूध को पकाते हुए और दूध जो है हमारा ओरिजिनल क्वान्टिटी से बिल्कुल आधा हो गया है। और आप देख रहे हैं पैन के साइड से मैंने पूरे क्रीम को इकट्ठा कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं भीगे हुए केसर। ये केसर को मैंने आधे घंटा पहले ही भिगो दिया था, इसे डाल देते हैं। इससे कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फिर इसमें हम डालते हैं 1/3 कप चीनी और हम इसमें डालते हैं 3/4 कप कार्डमम पाउडर, जिसे हम इलायची पाउडर भी कहते हैं। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, इसे भी डाल देते हैं। और सभी को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पूरी तरीके से गल ना जाए। हम फिर से दूध को लगभग 5 से 6 मिनट तक के लिए और पका लेते हैं। 5 मिनट हो गया है, अब चलिए हम इसके साइड्स को भी स्क्रैच करके दूध में मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये थिक मलाई और इस समय हम जब इसे दूध में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। और फिर इसमें हम डालते हैं लास्ट में 2 टेबलस्पून भीगे हुए बादाम, जिसके मैंने छिलके उतार लिए हैं और इसे मैंने चॉप कर लिया है, इसे डाल देते हैं। और 2 टेबलस्पून कटे हुए पिस्ता भी ले लेते हैं, इसे भी हम डाल देते हैं। और थोड़ा सा पिस्ता हम रख लेंगे बाद में गार्निश करने के लिए। और सभी को हम दूध के संग बिल्कुल अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो गया है चलाते हुए और आप देख रहे रबड़ी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। ये देखिए रबड़ी अभी बहुत गर्म है इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है, लेकिन जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी गाढ़ी होती जाएगी। और आप देख रहे हैं जो मैंने साइड्स में क्रीम इकट्ठा किए थे उसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है, ये देखिए। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और रबड़ी को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए रबड़ी बिल्कुल ठंडी हो गई है, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल थिक हो गई है। जिस समय मैंने पैन से उतारा था उस समय थोड़ी सी पत्ती थी, लेकिन जैसे ही ठंडी होती गई वैसे ही बिल्कुल थिक हो गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। चलिए अब इसे हम सर्विंग बाउल में डालते हैं। सर्विंग बाउल में डालने के बाद इसे हम कुछ कटे हुए बादाम और केसर और पिस्ते से गार्निश कर देते हैं।
तो इस तरीके से घर में रबड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे बनाने में ज़रूर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बनकर बहुत ही अच्छी लगती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दीजिए। और अगर आप अपनी रेसिपीज़ के पिक्स मेरे संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और ट्विटर पर मुझे टैग करके भेज सकते हैं।